दर्जनों विक्टिम्स जिनमें नाबालिग भी शामिल हैं, उनको ब्लैकमेल करके उनसे सेक्सुअल वीडियोस बनवाई। विक्टिम्स के पर्सनल इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके उनसे वीडियोस बनाए गए। चाकू छुरी चलाना बहुत आसान है, कलम चलाना उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। तूने कहा तूने किसी को देखा? तुम सच में कुछ नहीं जानते। कैसे चमकी सुनील की किस्मत, क्यों नहीं मानी थी कोई एक्ट्रेस बलवान फिल्म के लिए। हेलो, मैं हूँ पूर्णिमा, वेलकम बैक टू बॉलीग्राड स्टूडियोज। लेकिन वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी की पहली फिल्म बलवान 11th ऑफ सितंबर 1992 को रिलीज हुई थी। जितने बरस इस फिल्म के रिलीज के हुए, उतने ही बरस सुनील शेट्टी को फिल्म इंडस्ट्री में आए भी हो गए हैं। 29 साल पहले इंडस्ट्री में कदम रखने वाले एक्टर अब फिल्मों में नजर नहीं आते, लेकिन हाल ही में कुछ रियलिटी शोज पर अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई थी उन्होंने। सुनील आज भी बेहद फिट एक्टर हैं। उनकी पहली एक्शन फिल्म की मेकिंग से जुड़ी कई दिलचस्प कहानियां हैं। 29 साल पहले सुनील शेट्टी ने अपनी फिल्म बलवान में बॉडी और शानदार एक्शन दिखाते हुए एंट्री की थी बॉलीवुड में। एक्टर को फिल्म एक फोटो शूट की वजह से यारी दोस्ती में मिली थी। फिल्म के निर्माता राजू मवानी ने पहली बार फिल्म बलवान बनाई थी। जब उनके पास फिल्म की कहानी आई तो सुनील को स्टोरी सुनाई और कहा कि चलो इस पर एक फिल्म बनाते हैं। क्योंकि एक्शन फिल्म थी तो राजू और आनंद ने सुनील का एक फोटोशूट फिल्म की कहानी के मुताबिक टेस्ट किया और इस तरह से सुनील को पहली फिल्म बड़ी ही आसानी से मिल गई। फिल्म के लिए हीरो तो सुनील शेट्टी को कास्ट कर लिया गया, लेकिन सुनील के साथ 90s के दशक की कोई भी एक्ट्रेस काम नहीं करना चाहती थी। एक नए एक्टर के साथ पहले से बनी हीरोइन काम करने का रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहती थी। लेकिन सुनील की किस्मत तो देखिए, उन्हें एक ऐसी प्यारी हसीन और मासूम एक्ट्रेस का साथ मिला, सिने प्रेमी जिसकी खूबसूरती के दीवाने आज भी हैं। हम बात कर रहे हैं लेट एक्ट्रेस दिव्या भारती की। इसी साल दिव्या ने भी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था। दिव्या ने पहले ही साल धड़ाधड़ कई फिल्मों में काम कर दर्शकों को अपना दीवाना बना लिया था। फिल्म निर्माता निर्देशक भी उन्हें अपनी फिल्मों में लेने के लिए तैयार थे। जब कोई एक्ट्रेस सुनील के साथ काम करने को तैयार ही नहीं हुई तो दिव्या को अप्रोच किया गया, जो तैयार हो गई। सुनील ने एक बार मीडिया से बात करते हुए दिव्या भारती के लिए कहा था, उनके जैसी एक्ट्रेस ना कभी देखी है और ना ही कभी देखने को मिलने वाली है। फिल्म के सेट पर काफी बचपना करती थी वो, लेकिन जैसे ही सीन के लिए एक्शन बोला जाता था उनका रूप ही बदल जाता था। भरोसा करना काफी मुश्किल होता था कि ये वही मस्ती करने वाली दिव्या है, मैं उन्हें कभी नहीं भूल सकता। खैर, बलवान फिल्म जब रिलीज हुई तो हिट हो गई। एक्शन फिल्म को दर्शकों ने सराहा। जिस शानदार तरीके से सुनील शेट्टी ने एंट्री की, उसकी वजह से उन्हें एक्शन हीरो का टैग भी मिल गया। फिल्म के एक्शन डायरेक्टर रवि दीवान थे जिन्होंने जबरदस्त तरीके से सुनील की लैंडिंग करवाई, जिसे आज भी दर्शक काफी पसंद करते हैं। आपको बताते चलें कि अब सुनील जल्दी बलवान 2 लाने वाले हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि सुनील इस कहानी में दिव्या की यादों को वापस लाना चाहते हैं। ये जानने के लिए कि क्या होगी इस फिल्म की कहानी, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। चलिए अब मैं लेती हूँ आप सभी से इजाजत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें बॉलीग्राड स्टूडियोज को।